तो दोस्तों रामानंद सागर के रामायण सीरियल के बाद में जो है उत्तरकांड दिखाया गया था। तो उत्तरकांड में जो है सीता माँ के दो बेटे लव और कुश का किरदार किसने निभाया था, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लव और कुश के रियल लाइफ के बारे में मैं बताऊंगा। तो लव का जो है रियल नेम मयूरे क्षेत्र में दे थे और कुश का नाम स्वप्निल जोशी था। अगर हम कुश के बारे में बात करें तो वो इस समय 45 साल के हो गए हैं और इनका जन्म 18 अक्टूबर 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने जो है कुश का किरदार 9 साल की उम्र में निभाया था और ये जो है मराठी फिल्मों में भी काम किया है। उसके बाद में इन्होंने जो है उत्तर लोकुश कांड के बाद जो है श्री कृष्ण और देश में निकला चांद में भी काम किया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने दो शादी की थी। पहला शादी इन्होंने प्रेरणा जोशी से किया था जो कि 2005 में इनका तलाक हो गया था। फिर इन्होंने 2011 में दूसरी शादी की थी और आज जो है इनका एक बेटा और एक बेटी भी है। अगर वहीं पे हम बात करें लव के बारे में तो लव इस समय जो है 47 वर्ष के हो चुके हैं और इनका जन्म जो है 1976 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। अगर हम इनको बात करें तो इन्होंने जो है लोकुश कांड के बाद अपना करियर फिल्मों में नहीं बनाया। इन्होंने अपनी पढ़ाई की, उसके बाद में इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद में ये इस समय जो है अमेरिका के एक कंपनी में प्रेसिडेंट भी हैं। उसके बाद में मैं बात करूं तो ये जो है दुनिया के माने जाने लेखक भी हैं। अगर हम इनके पत्नी की बात करें तो इन्होंने शादी किया है लेकिन इनके पत्नी के बारे में कुछ भी जानकारी इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे नहीं है। लेकिन यह भी खबर है कि इनके दो बेटी भी हैं जो कि अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो लोकुश कांड या रामानंद सागर की जो लोकुश कांड था उत्तर रामायण, आपको किसका किरदार पसंद था, लोकुश का किरदार पसंद था, किसका किरदार पसंद था, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।